सो हेलो, वेलकम बैक टू अंदर गेम प्ले वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज एक और फिर से नया दिन है माइनक्राफ्ट में। और बाकी एक मिनट रुको, मैं इनको चुप कराने दो। मेरी पिकैक्स सॉर्ड भी टूट चुकी है, इससे ज़्यादा ही होगा टाइम, तो फटाफट से चलते हैं। मैं अपना पहले वीडियो सेटिंग्स कुछ चंक बाइस कर लेता हूँ वापस से। ओके, दैट्स इनफ। सो आज की वीडियो में अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है मेरे को क्या करना है। सबसे पहले तो मेरे को जाना क्या कहते हैं अपनी, पता ही होगा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कैसे अपनी बहुत सारी चीज़ें गवा दी थी, इम्पोर्टेंट चीज़ें गवा दी थी, बहुत सारी अनगिनत चीज़ें। तो उसी को आज कवर अप करने के लिए, हाँ मेरे पास डायमंड तो नहीं है बट एटलीस्ट वी हैव आयरन बहुत सारा। और ये इसका अभी मैं बताता हूँ, इसका ना मैंने जो ब्रूइंग स्टैंड मुझे मिला था विलेज से वो मैंने ले जाके रख दिया। तो मे बी एक और विलेज जो है क्लरिक बन चुका है, मे बी क्या मैंने उससे ट्रेडिंग करी है थोड़ी सी, वो रॉटन फ्लैश लेता है। सो दैट्स गुड यार, मेरे पास रॉटन फ्लैश पता नहीं कितना सारा है, बहुत सारा रॉटन फ्लैश है, बहुत ही सारा हो गया है। तो फटाफट से मैं चलता हूँ, पहले रॉटन फ्लैश को मतलब ट्रेड करता हूँ, देखता हूँ कितने एमराल्ड्स मिलते हैं। किधर गया ये रख क्लरिक, चल भाई दे दे हमको। सो ऑल राइट, ये तो हो गया आउट ऑफ स्टैक। सो आउट ऑफ स्टैक 16 एमराल्ड्स दी इसने मेरे को। क्लेरिक यार सही है, एक और क्लेरिक रखना पड़ेगा, ये कोल के बदले दे रहा है बस। बाकी प्रिटी सब वही है जो थे नॉर्मल्स, बाकी मेंडिंग फिर से इसने 38 कर दी भाई, देख रहे हो ये तो नया बंदा है। बाकी मेरे को ना पंच टू चाहिए थी, पंच टू उस पर लगाने के लिए ये दे रहा था ना 10 में, वो क्या मेरे पास। एक पंच टू ले चलता हूँ अभी, अपनी बो पे लगाऊंगा। सो लेट्स गो। और आप लोग को पता ही होगा कि मेरे पास मेंडिंग कितनी ज़्यादा ली थी मैंने पिछली बार, कम से कम दिखा देखता हूँ मुझे भी याद नहीं, शायद 5 या 6 तो मेंडिंग होनी चाहिए मेरे पास। सो ये रही 1 2 3 4 5 5 मेंडिंग है, सही है, और एक पंच टू है। सो सबसे पहले पंच टू दो हो गए यार, तो ये बो मैंने ले रखी थी, पहले ये स्टोर करवा देते हैं। अब जब वो फिर से रीस्टॉक होगा जब लेगा वो हमसे। सो एक ये पावर टू की बो, अभी पावर टू की बो थी तो मेरे पास नहीं, पावर टू की है वो, पंच टू है। ओके ओके आई गेट इट नाउ, भूल गया था मैं, एम्प्टी मैप है, इसको रख देते हैं, काम की चीज़ें थोड़ी सी इसमें रख देते हैं। और ये एमरल्ड्स वही क्लेरिक से लिए थे मैंने 8 पहले, अब भी इतने हो गए, बाकी ये देखो कितने सारे। तो अभी मैं अपना पूरा डायमंड आर्मर कह रहा हूँ, ये आर्मर देख लेता हूँ, इस पर ब्लास्ट प्रोटेक्शन 4 लगा है, इसको मैं रिपेयर कर लेता हूँ सबसे बेस्ट। और एक बूट और एक मेरे को हेलमेट बनाना है, तो फटाफट से कुछ आयरन लेते हैं। बाकी 3 ये है तो मैं इससे एक सॉर्ड बनाने वाला हूँ। बाकी आज तो हम चलने वाले हैं केव के अंदर, देखते हैं हमें क्या मिलने वाला है। बिकॉज देखो केव के अंदर मेरा जाने का मेन रीज़न पता है क्या है, एक तो हमें अब अपडेट के बाद मेरे को पता चला कि जो ये है ना ज़्यादातर चीज़ें हमें केव के अंदर ही मिलने वाली हैं, तो इस एक तो ये रीज़न है मेरा केव के अंदर जाने का। सेकंड चीज़, अब जब मैं अपनी वो पे इन्फिनिटी और पावर और लगा लूँगा तो आई थिंक इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और मैं इंचेंट भी कर ही रहा हूँ अच्छे से, सो आई थिंक मेरे को इतनी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और बाकी थोड़ी सी स्टिक बना लेनी चाहिए मेरे को इसके लिए, यस 4 स्टिक काफ़ी है। तो अब भाई तुम इधर आ जाओ ना। सो ऐसे होना चाहिए, मेरे को पिकैक्स बनानी चाहिए या फिर ये, बिकॉज पिकैक्स मेरी अभी सेल्फ टच है इस पर, और उस पर अगर अनब्रेकिंग 3 मिल जाए। हाँ यार मेरे को पिकैक्स बनानी चाहिए ना, बिकॉज देखो सॉर्ड का काम तो ओनली मारना होता है, और मेरे पास बो भी रहेगी तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास मारने के लिए ऑलरेडी, तो मेरे को एक पिकैक्स बना लेनी चाहिए ना कि ये। सो पिकैक्स की रेसिपी ये होती है, चलो एक और पिकैक्स अपनी फाइनली। अब हमारे पास एक भी वो नहीं है डायमंड, वी आर कंगाल ऑफिशियली। एंड पिकैक्स के साथ साथ मेरे को मतलब अब तो सारे टूल्स बनाने ही पड़ेंगे, सारे टूल्स तो चले गए, क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। बाकी आयरन शील्ड मेरी भाई, शील्ड भी नहीं थी मेरे पास, एक और शील्ड बना लेता हूँ मैं, वहाँ केव में काम आएगा। एंड यस ये चीज़ें काफ़ी हैं, एंड चलो ऊपर चलते हैं हम लोग फटाफट से, देखते हैं क्या इंचेंट होता है, क्या इंचेंटमेंट मिलती है मेरे को अपने इन चीज़ों पे। अनब्रेकिंग 3
गिव मी दैट लैपिस हीरा। अनब्रेकिंग 3 लेते हैं सबसे पहले। ओके प्रोटेक्शन 4 अनब्रेकिंग 3 नाइस। बूट्स पे प्रोटेक्शन 3, बस प्रोटेक्शन 3 कोई नहीं। एक्वो एफिनिटी आई डोंट थिंक कि मेरे को इस पे वेस्ट करने चाहिए एंड आई शुड गो विद डायमंड अनब्रेकिंग 3। कुछ और मुझे गॉड 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 भाई मेरी मतलब किस्मत अच्छी है अब तो कंफर्म आई एम लक्की बिकॉज मेरी जो ये थी क्या कहते हैं डायमंड पिकैक्स उस पर अनब्रेकिंग 3 अब इफिशियंसी और मेंडिंग लगी हुई थी पिछली बारी जो पता नहीं कहाँ गायब होगी रेड में कब डिस्पॉन होगी कुछ पता नहीं चला। अब मैं इस पर मेंडिंग लगाने वाला हूँ सबसे पहले एंड लेट्स गो और अपनी पो पे देखते हैं क्या क्या मिलने वाला है अनब्रेकिंग 3 और भी कुछ मिल जाए। बस यही चाहिए था। आई एम सो लक्की भाई सो लक्की। मेरे जैसा लक भाई सबके पास हो ना तब तो मज़ा ही आ जाए सबके। बाकी अब मैं एफिशिएंसी 4 इस पे क्या ही करूँगा वैसे तो अभी इस पे खर्च नहीं करते हैं ठीक है। अभी हम जो काम की चीज़ें हैं ना उस पे खर्च करना सही रहेगा इन सब चीज़ों पे खर्च करना भी सही नहीं रहेगा। ऐसा करते हैं इस पे ले लेते हैं फायर प्रोटेक्शन और ये ठीक है। सो यस अब फटाफट से पहन लेते हैं इस वाली चेस्ट प्लेट को निकाल देते हैं इसको पहन लेते हैं। तो अभी मेरे ख्याल से प्रोटेक्शन और सब पे ही है। प्रोटेक्शन तो मेरे सब पे ही है यस। प्रोटेक्शन मेरे पे 3 से ऊपर है सबके पास है 3 या 3 से ऊपर। बाकी इस पे मेरे को पावर 4 मिल चुकी है। कहाँ मैं पावर 2 को ऐड करने की सोच रहा था। पावर 4 मिल चुकी है अनब्रेकिंग 3 मिल चुकी है। एक मैंडिंग इस पे लगने वाली है एक मैंडिंग इस पे लगने वाली है और यस और कुछ कोई टूल मेरे को बनाना चाहिए नहीं आई डोंट थिंक सो कि अब मेरे को अच्छा हाँ मेरे को एक सॉर्ड बनानी है उस पर कुछ ना कुछ लेना है। चलो कोई नहीं पहले मैं इनको रिपेयर कर लेता हूँ फटाफट से। नॉक पैक भी होती है ना पता नहीं नॉक पैक मेरी इस पर सॉर्ड पर लगेगी नहीं बट फिलहाल इस पर लगा लेते हैं। लेट्स सी एक रखते हैं मेंडिंग सबसे पहले तो अपने डायमंड पिकैक्स पे रखते हैं और इसका नाम हम लोग वही रखने वाले हैं क्या डिगर। ओके DIGGER यस। सो हमारी पिकैक्स फाइनली वापस आ चुकी है और भी अच्छी बन के। सो गिव मी दैट और अब हमको करना था अपनी पो को और इसका नाम हमने धनुष रखा था तो इसका नाम फिर से वापस वही रख देते हैं DHANUSH यस। अपनी धनुष भी वापस आ चुकी है फाइनली वही बन के। गिव मी दैट अभी नहीं बनी मेंडिंग और लगनी है इस पर बट यार इस पे 31 हो जाएगा फिर मेरे को अपनी फ्लेम पे भी ले। अभी मैं एक बार और जाने वाला हूँ इसको रिपेयर करने के लिए बट इस पे मेंडिंग नहीं लगी ना क्या ज़रूरत है फिर इस पे एक मेंडिंग लगानी है मेरे को। तो ऐसा करता हूँ एक इस पे मेंडिंग लगा लेता हूँ देन मैं फिर से जाता हूँ ऊपर। ओके इस पे और इस पे दोनों पे मेंडिंग लगा लेता हूँ ऐसा करता हूँ क्योंकि मेंडिंग तो आप एमरल्ड्स तो मिल ही जाएंगे ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एक मेंडिंग ये 3 मेंडिंग बची है मेरे पास 2 मेंडिंग बची है मतलब इसके बाद फायर एक्सपेक्ट है ये मैं सॉर्ड पे लगाऊंगा अपनी पे जो भी सॉर्ड में बनाने वाला हूँ। अभी मेरे को एक ही मेंडिंग लगानी चाहिए इस पे बिकॉज देखो अनब्रेकिंग इस पे लगा लेता हूँ पहले इस वाली पिकेक्स पे कुछ समझ नहीं आ रहा यार मेरे को एक पे लगाते हैं ऐसा करते हैं अभी अपने क्या कहते हैं सवल पे लगाते हैं सब पे लगाने की ज़रूरत नहीं है और इसका नाम रख लेंगे क्या रखनी चाहिए हल ये नहीं हल कुछ भी ऐवें ही रख देते हैं बाद में कभी चेंज कर लेंगे। तो इसमें मेंडिंग लग चुकी है डायमंड अपनी पिकैक्स पे एंड यस प्रिटी दिस यही सब करना था इसको रिपेयर करने चलते हैं और सेकंड चीज़ हम थोड़ी सी 30 XP करने की कोशिश करेंगे। अब मैं अपनी वो तो ले लूँ सबसे पहले एक सॉर्ड तो ले लूँ ये रही इससे ही मारूँगा ना तो अभी हमको फटाफट से 30 XP करनी है ज़्यादा नहीं पहले 100 लेते हैं। लेट्स गो 1 2 3 4 बार मरा यार 2-3 बार तो वैक्स से ही मर गया मैं एक वो नूबड़े गधे जाके पानी में कूद गए ना तो और दिक्कत हो गई। मैं अपना सामान लेने जाता हूँ वहाँ पे कोई मेरा चांस था ही नहीं मैं मरता ही मरता बिकॉज भाई पानी में कूद गया मैं कैसे जाके बचता हूँ उन लोगों से है ना। अभी ड्राउंड है इधर किधर तो 1 hour later सो ऑल राइट गाइस अभी देख सकते हो मेरी जो पिकैक्स है पिकैक्स क्यों कहता हूँ मैं इसको मेरे जो हल है मतलब कि जो मेरी शवल है वो हाफ से भी कम थी उसकी हेल्थ बट हमने फुल तक कर ही दी है इसको फुल ही कर देते हैं इसको मारूंगा फुल हो जाएगा वो जाना चाहिए
कोई बात नहीं, इतनी हेल्थ काफ़ी है। सो और हमने अपनी 32 कर ली है, तो अब जो भी हमें इंचेंटमेंट और कुछ करना होगा वो हो जाएगा। तो एक तो मेरे को अपनी बो पे सबसे पहले इन्फिनिटी लगानी है, ठीक है। ये इन्फिनिटी लगाने के बाद देखते हैं उसके अलावा क्या करना है मेरे को। और हाँ सॉरी, आयरन शॉर्ड को इंचेंट करना है। अच्छे इंचेंटमेंट लेनी है आयरन शॉर्ड पे भी, ये क्यों भूल जाता हूँ मैं बार बार। तो पहले फटाफट से एक नई आयरन शॉर्ड बना लेते हैं। सबसे पहले ये रोटन फ्लैश धर देता हूँ मैं, ये ट्रेडिंग के काम आएगा। एंड देन ये दुनिया भर की पावर 2 की बो मिलती है ना पावर वाली, दिमाग ख़राब हो जाता है फिर बोल। तो ये सब रख देते हैं। ये वीट शीडी क्या क्या लेके घूम रहा हूँ मैं, पता नहीं। सो ऑलराइट, मैंने भी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर दी अपनी इन्वेंट्री में से, काफ़ी ज़्यादा कबाड़ा हो रखी थी। तो फटाफट से मेरे को एक फ्रेश आयरन शॉर्ड बना लेनी चाहिए, बस एक बार 30 लेवल्स का काम हो जाए, देन तो फिर मैं इसका मतलब लेवल 3 की इंचेंटमेंट मिल जाए, देन तो फिर हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। बाकी लैपिस भी ख़त्म हो गए तो ये भी लेके आने पड़ेंगे। नॉकबैक 2 टू दैट, स्वीपिंग एज शार्पनेस 3, ओके। अर्न ब्रेकिंग मिल जाती तो और भी अच्छा रहता, बट कोई नहीं, हमारे पास एक और शॉर्ड है, लेट्स ट्राई। उस पर अगर अर्न ब्रेकिंग मिल जाए तो इनको ऐड कर देंगे हम लोग। ये रही, लेट्स गेट, अब ये लेवल 3 नहीं है, कोई नहीं, अनब्रेकिंग 2 मिल जाए तब भी कोई बात नहीं, वो भी ले लेंगे। अनब्रेकिंग 3 मिल रही थी मेरे को। सो ऑल आई हैव टू डू इज डू सम ट्रेडिंग। चलो ट्रेडिंग करके आते हैं। कहाँ पे? ये हमारे फ्यूचर फूड्स हैं तो इनका खाना ज़्यादा जरूरी है। एंड लेट्स गो, वी आर 30 लेवल, तो अब हमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब फटाफट से मेरे को सीरी रखी ना मैंने, हाँ, तो फटाफट से मैं किधर से चढ़ रहा हूँ, तो अब मेरे को फटाफट से चलना चाहिए। एंड इस पे लेना चाहिए मेरे को अनब्रेकिंग 3, एंड देन मैं इनको मिक्स कर दूँगा। बेन ऑफ ऑर्थ्रोपोड फायर एक्सपेक्ट 2, लो भाई, यस आई हैव अचीव्ड द हाईएस्ट लेवल। मठियार ये आयरन सॉर्ड है, अभी रुको रुको, नहीं एक्वा इन्फिनिटी का क्या ही करूँगा, बट ये हाईएस्ट लेवल नहीं है, देख रहे हो, देखते हैं, मतलब हाईएस्ट लेवल कह रहा हूँ, आयरन सॉर्ड है। शार्पनेस 4, स्वीपिंग एस 3, नॉकबैक 3, अनब्रेकिंग 3, यही बन जाएगी मेरी। तो इसका नाम भी हम मॉब स्लेयर, मिनी मॉब स्लेयर रख देते हैं, मिनी स्लेयर, जस्ट बिकॉज ये आयरन की है। भेदभाव करता हूँ मैं, एक बार इनको आगे पीछे रख के देखूँ, क्या पता कम पड़ा है। 17 नहीं भाई, ऐसे ठीक है, जितने हो सके उतने एक्स भी बचाओ। अबे नाम फिर से चेंज करना पड़ेगा, रख देते हैं मिनी स्लेयर। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा ओपी बन चुकी है, देख रहे हो, शार्पनेस 4, स्वीपिंग एस 3, नॉकबैक 2, अनब्रेकिंग 3, फायर एक्सपेक्ट 2, भाई गॉड गॉड बन चुकी है, है? हाँ मिल गई, मुझे लगा क्या हो गया। अच्छा मेरे वो एनविल टूट गई, कोई नहीं, हम एक और बनाते लेते हैं, आयरन की कमी थोड़ी ना हम लोग के पास, क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही स्टैक तो खाएगा। वैसे काफ़ी महंगा है वैसे देखा जाए, जिसके पास आयरन फार्म ना हो तो वो तो लुट जा भी है एनविल में ही। स्लो हमारा एक नया एनविल भी प्लेस हो चुका है। एंड यस वी आर प्रिटी गुड टू गो, और मेरे पास इतना सारा गोल्ड है ना, तो मैं इसको गोल्डन कैरेट में बदल लूँ, कैरेट, यस गोल्डन नगेट्स है, ओके। बट एक ही मिलेगा भाई, ये क्या बात हुई, नगेट, लेट्स सी नगेट कैसे बनते हैं, ओके। देन इसको रख के हम ऐसे रख देते हैं, एंड देन इसको यहाँ पे, देन इसको यहाँ पे, 8 बन जाएंगे, यस 8 बन गए। गोल्डन है, कैरेट भी सही है। अब हमें सबसे पहले अपनी इन्वेंटरी को ठीक कर देना चाहिए ताकि हम लोग वहाँ जाने के लिए रेडी रहें। सो ऑलराइट, मैंने अपनी इन्वेंटरी तो काफ़ी हद तक ठीक कर दिया है, खाने को भी ले ही लिया है, बस इस पे मेरे को इन्फिनिटी लगानी है, मैं भूल गया था मेन चीज़, इन्फिनिटी के बिना बो किस काम की है भाई। पे इन्फिनिटी लगा लेते हैं फटाफट से, हैं व्हाट द हेल, हैं
क्या हुआ, समझ नहीं आया मेरे को, इन्फिनिटी क्यों लग रही इस पे, फ्लेम लग गई इस वजह से। ये क्या बात है, थंडर स्टॉर्म अलग हो रहा है, सो लेते हैं पहले। ये क्या बात है, इन्फिनिटी लग रही इस पे, फ्लेम लगा लिया इस वजह से, बाकी और सारी चीज़ें तो शायद लगी ही थी, पावर टू लगी थी पिछली बार। लेट्स सी दूसरे किसी उस पे, इस पे लेके देखें तो इस पे लग रही है, इस पे क्यों लग रही। ये गजब है भाई, माइनक्राफ्ट गजब है। मेरे ख्याल से मैंने फ्लेम लगा दी, मतलब फ्लेम मिल गई मेरे को, इस वजह से नहीं लग रही। बट कोई कोई नहीं यार, इन्फिनिटी जरूरत होती है वहाँ पे, पता है। बट एरो भी है मेरे पास, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, इन्फिनिटी इस पे लगा लेता हूँ, इन्फिनिटी की बुक मैं ले लूँगा दोबारा, इसको ले चलता हूँ मैं, कुछ तो काम आएगी। ठीक है, इसको भी रखे रहते हैं, और ऐसा करता हूँ दुनिया भर की एरो रख लेता हूँ, क्योंकि इस पे पावर टू तो रख ही है। एरो होंगी मेरे पास दो तीन, तीन स्टैक हैं एरो, इससे ज़्यादा ही होंगी, ऊपर तो और भी ज़्यादा हैं, बहुत सारी स्टैक हैं वहाँ पे। सो इनको यहाँ पे रख लेते हैं, जब लगेगा यूज़ है तो इनको निकाल लेंगे। बाकी यस आई थिंक वी आर रेडी टू गो दिस टाइम, है ना। यस वी आर रेडी टू गो, फटाफट से कुछ गायों को मार के अत्याचार करके फटाफट से कुछ ले लेते हैं खाना और चलते हैं केव में। सो ऑलराइट, हम लोगों ने अब हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। पिछली बार मैं टॉर्च भूल गया था लाना, सो मैं भी आगे टॉर्च लेके आया, और थोड़ा बहुत जो अनकुक्ड फूड था उसको कुक करके हम लोग चलते हैं। और ये आयरन गिरा पड़ा है, इसको उठा लेते हैं, लेट्स गो अपनी उसी वापस केव में। काफ़ी बहुत बड़ी केव है अंदर, और अब अपडेट में केव के अंदर ही मिलती है सारी चीज़ें। 1 minute 37 seconds later और मैं भाग के वापस आ सकूँ। मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ, नहीं मरने वाला मैं, इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, बिकॉज आई हैव गियर्स रहा हूँ, इतने अच्छे गियर्स हैं मेरे पास, मैं फिर भी इतना डर रहा हूँ। देख रहे हो मेरे जैसा फट्टू दिखा हुआ किसी ने, नहीं। सो लेट्स गो, आ जाओ भाई, किसको आना है, इधर कोई है नहीं है। टॉर्च भी आगे रखनी पड़ेगी मेरे को, है ना। उधर देखो भाई, क्या ही जमावड़ा सा लग रहा है, मैं इधर पहले बंद करूँ, मेरे को नहीं बंद, ध्यान देना पड़ेगा, मैं इधर गिरूँगा बहुत तेज। ये देखो जमावड़ा, देखो भाई एक बार जमावड़ा, देख रहे हो, ये देखो। आई हैव टू फाइट देम, कब तक मैं डरता रहूँगा इन लोगों से, लेट्स गो। और बाकी इन लोग के इलाके में घुस घुस के मैं टॉर्च लगाता रहूँगा। किधर से आवाज़ आई, पता नहीं किधर से आवाज़ आई। अबे केव के अंदर केव्स हैं, देख रहे हो, केव के अंदर केव्स हैं, इनको यहीं से मारना स्टार्ट करता हूँ। इसमें ज़्यादा पावर है नहीं, ये तो देखना पड़ेगा। इसमें क्या कहते हैं, मेरी दूसरी वाली नॉर्मल वाली में ज़्यादा पावर नहीं है। सो वी आर डीप इनसाइड द केव राइट नाउ, काफ़ी अंदर तक आ चुके हैं हम लोग। यस एक क्रीपर साहब को मारना पड़ेगा, इसको भी, ये तो तुरंत मर जा रही है, एक ही शॉट हो रखी है तो पूरी। ओह बच गया मैं, अपनी ही आग में जाने से बच गया। अबे
तुम्हारी भैंस की अब तुम्हारी औकात नहीं, इसी बताऊँ तो मेरे से लड़ने की, पता है तुम्हारी सच में औकात नहीं है, मैं दूर से ही मार सकता हूँ, अभी पास भी नहीं आ सकते मेरे। सो यस वी आर प्रिटी पावरफुल राइट नाउ, पावरफुल फील कर रहा हूँ मैं पूरे अच्छे तरीके से। तो अब मेरे को पता है क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं उनको लूटना है। एक से एक वो है कि रुक जा तेरी भैंस, क्या क्या है, है? क्या है बे बे, ये नहीं भर रही। अच्छा आई थिंक बैन ऑफ ऑथ्रोपोड्स मेरी उस वाली पे था, इधर स्पॉन होते रहेंगे आई थिंक, किधर एक उजाला करना पड़ेगा। यस सो मैं फटाफट से लूटना स्टार्ट करता हूँ। ये रहा आयरन, यहाँ पे भी नहीं आयरन, न्यू गोल्ड है शायद। मैं तो सोच रहा था इस केव में डायमंड मिलेंगे, कुछ तो मिल नहीं रहा मेरे को। मेरे को ऊपर की तरफ चलना चाहिए, अभी मेरा लेवल क्या है, लेट्स सी, -15 है मेरा लेवल, नीचे की तरफ चलना चाहिए मेरे ख्याल से मेरे को। अबे पूरे डायमंड्स। सो वेट गाइस, इस मिनट में मैं ये बताना चाहता हूँ कि आगे जितनी मैं क्लिप्स दिखाऊंगा वहाँ पे सिर्फ सिर्फ वहीं दिखाऊंगा जहाँ पे मेरे को डायमंड्स मिले हैं, वरना वो पूरी क्लिप बोरिंग हो जाएगी। बाकी मैं एक अनकटेड वीडियो का लिंक एज ऑलवेज डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। बाकी अगर 100 सब्सक्राइबर करवा दें तो लव यू गाइज, बाकी नहीं करवाएं तो न्यू ईयर से पहले करवा दो, बाय। ये भाई ऊपर, इतने ऊपर डायमंड, वो तो मेरा ध्यान चला गया, मुझे लगा ही था कि इधर ऐसा तो हो ही नहीं सकता डायमंड ना हो। यार मेरे पास फॉर्च्यून होती है वैसे तो मैं और ही वो कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और डायमंड था ना इधर, किधर गया मेरा, दोनों और नीचे गिर गए मेरे। सो वी हैव गॉट 2 डायमंड्स मोर एंड आई थिंक अच्छी शुरुआत है। सो यस रूमर वॉज ट्रू, मैं तो रूमर कह रहा हूँ, मैंने पढ़ा सही था। दो यहाँ पे अब केव में मिल रहे हैं डायमंड अच्छे खासे, बस देखना पड़ेगा हम लोग को ढंग से। इसको हटाओ, लेट्स गो आगे की तरफ, कहीं चलते हैं डायमंड और देख लेते हैं, और कहीं गोल्ड है इधर काफ़ी सारा, डायमंड तो दिख रहा। और बाकी सच में यार 2 ही डायमंड थे, लैपिस ले लेता हूँ, वैसे ही कमी चल रही है लैपिस की। इज दैट डायमंड, भाई डायमंड कहाँ कहाँ मिल रहे हैं आजकल, लो भाई किधर ही घूम रहा था मेरे को डायमंड किधर ही मिल रहे हैं। मेरे को लग रहा है मेरे को ऊपर ही ढूंढने चाहिए जब सारे डायमंड इधर ही मिल रहे हैं तो। एक ही डायमंड नहीं, और दुबके पड़े हैं, 2 ही डायमंड। अब मैं ट्राई करूँगा पता है क्या, कि मेरे को एक फॉर्च्यून और मिल जाए सो दैट मैं डायमंड से एक नहीं और ज़्यादा ओर्स निकलवा सकूँ, ओर्स कह रहा हूँ, और ज़्यादा डायमंड के वो निकलवा सकूँ। ये क्या है, कुछ नहीं, अब तो मेरे को वैसे भी डायमंड से दिख रहे हैं, पता नहीं क्या ही होगा मेरा। रेडस्टोन है वो, क्या ऊपर, नथिंग। चलो भाई नीचे की तरफ चलते हैं, पहले ही स्वागत में क्रीपर भाई, दो दो खड़े हैं मेरे ख्याल से, नहीं ज़ॉम्बी है नीचे, किधर गए ये देखो क्या भाई, एक तो ये बच्चा
तू एक जगह रहो। दो तो बच्चे पूरा मारने का प्लान है। Two thousand years later. Yes, इतनी सी जगह में स्पॉन हो रहे थे लोग, क्या ही बात है। माइनक्राफ्ट लग रहा है ना ठेका ले रखा है दुनिया भर के उनको स्पॉन करने का। क्या है अब किधर से आवाज आ रही है? डोंट टेल मी कि मैं इधर से ही निकल गया। नहीं, मैं दूसरी जगह से निकला हूँ आई थिंक। यस, और एक इधर स्लाइम है, इसको मारता हूँ। उनको एक नहीं दो दो स्लाइम है, एक तो बेबी स्लाइम है। क्या दिए इसने? स्लाइम बॉल्स। ओके, दिस इज द थिंग जिससे मैं लीड बना सकता हूँ। इधर आ जाओ तुम, उधर मत गिरो, अबे वो गिरी गई पागल। फिर से क्रीपर स्पॉन हो रहे हैं। अबे यार मेरे सारी स्लाइम बॉल्स नीचे गिर रही हैं। बाल को सो आई थिंक 14 स्लाइम बॉल्स तीनों ने मेरे को। सो ऑलराइट, इस केव में हाफ एन आवर घूमने के बाद और काफ़ी सारी जगह ढूंढने के बाद मेरे को कुछ भी नहीं मिला। सो आई एम डिसाइडिंग टू गो बैक नाउ, क्योंकि यहाँ पे ढूंढने कोई मतलब नहीं है। इतनी बड़ी केव थी, जो भी डायमंड मिले थे मिल गए। अब मैं दूसरी केव में जा रहा हूँ, मेरे को सीधी सीधी खुदाई करने में कोई मज़ा नहीं है, वो तो मैं ऑफलाइन भी कर सकता हूँ। सो अभी मैं अभी मैंने इसमें से सारा सामान जो भी मेरे को मिला था वो ले लिया, और मैं चलते हैं अब सीधा घर। पहले इनको रख देते हैं। सो लेट गाइस, अभी मैं घर पे आ चुका हूँ, मैं सामान रख देता हूँ सबसे पहले, जो जो और है उसको रख देते हैं उसी के प्लेस पे। एंड डायमंड हम लोग रख देते हैं, यहीं पर रख देते हैं गोल्ड के साथ ही। रेड स्टोन के ब्लॉक में नहीं, रेड स्टोन को हम लोग ऐसा करते हैं, इनको जला के रख देते हैं। इसका क्या काम मेरे को? इसको रख देते हैं। एंड आयरन को भी हम लोग रुको, यस आयरन का इसमें जल्दी हो रहा है यार। प्लास्ट फर्नेस में देखना, इसमें है कुछ नहीं, इसमें नहीं है ना। सो आई हैव टू टेक कोल फ्रॉम समवेयर, इससे ले लेते हैं आधा कोल और इसमें डाल देते हैं हम लोग, और इसका भी उसी में डाल देते हैं ना। क्या मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इसमें जल्दी होगा, काम भी आएगा। देखना कितनी फटाक से हो रहा है। बाकी ये दो आयरन तो मैं उधर से उठा के लाया हूँ अपने फार्म पे से। जल्द ही मेरे पास शायद एक फुल बैरल होने वाली आयरन की। किधर है? हाँ आई थिंक जल्दी हमारे पास फुल बैरल होने वाला है आयरन का। अब मेरे को एक चीज़ और करनी है, केव ढूंढनी है नेक्स्ट एपिसोड में। इस एपिसोड को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, बिकॉज ये लोग हमको मिल चुके हैं। हम लोग इधर केव में जा रहे थे, ये वाली तो बंद है, इधर या फिर इधर जाने वाले थे, बट ये भाई साहब हम लोग को मिल चुके हैं, सो हमारा जाना कैंसिल हो गया। डायमंड ढूंढना पड़ेगा किसी नेक्स्ट एपिसोड में, या फिर मैं एक लाइव वीडियो चलाऊँगा, लाइव वीडियो करूँगा, तो उसमें आप लोग को मेरा चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा सबसे पहले तो। लाइव वाला वो अलग चैनल है, मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं वहाँ पे जाके लाइव मतलब खुदाई करूँगा, ऑन लाइव देखूँगा कि कहाँ पे डायमंड्स मिलते हैं, मतलब कहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, बाकी
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा साहेब नारा। और इन लोगों ने आज का तो पूरा प्लान मेरा बेकार ही कर दिया, कोई नहीं इतना ही काफ़ी है, बाकी आयरन कलेक्ट करते हैं और चलते हैं वापस। ये नीचे गिर गया, अब मैंने उठा लिया, अच्छा स्पॉन रेट होगा रात को, कमरा मैंने उठाता हूँ, देख रहे हो कितना सारा स्पॉन रेट है 53। मैंने उठाता तो स्पॉन रेट घट जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, मुझे उसके लीडर को नहीं मानना है बस, वैसे भी मैं जा ही नहीं रहा। यस आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, पता मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा साहेब नारा।